जब भी आते हैं वेटिंग है वेटिंग है वेटिंग, ऐसे में यात्रीगण कैसे जाएगा, कहीं हमको जाना है। सरकार को कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं दिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन कार्यालय के पास है। अगर रिजर्वेशन करवाने के लिए आएंगे किसी भी दिशा में जाने के लिए, तो यहाँ लंबी कतार वेटिंग आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, या फिर अगर आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, ये तमाम तरह की वेटिंग है। अगर आप चार दिन के बाद के भी अगर आप सफ़र का यात्रा करने चाह रहे हैं, तो वहाँ भी लगभग 200 से 250 वेटिंग आएगी, कन्फर्म होने की गुंजाइश है ही नहीं। रेल मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, ये लगातार प्रयास में रहती है कि लोगों को टिकट का मुहैया कराए यात्रियों को, लेकिन वही ढाक के तीन पात। ऐसे स्थिति में यात्रियों के भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ आप रेलवे भी नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अगर फ्लाइट से भी अगर जाना चाहते हैं, तो गो एयर का तो फ्लाइट लगभग बंद ही हो गया है, और साथ में अन्य फ्लाइटों के जो टिकटें जो मिलती है वो दुगना और तिगुनों दामों पर। मसलन अगर दिल्ली के सफ़र करने में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगती है, इस वक्त अगर आप जाएंगे तो 12 से 15 हज़ार रुपये के अतिरिक्त आपको शुल्क देना पड़ सकता है। वंदे भारत के नाम से ट्रेनें तो चलाई जाती है, लेकिन आम जन को सुविधा मुहैया कराना ये रेलवे मंत्रालय का बस की बात है नहीं। रेल मंत्रालय को चाहिए कि ठीक है, वंदे भारत चले, अच्छी बात है, अच्छी सोच है और बधाई के पात्र है, लेकिन कम से कम जो डेली का जो सफ़र करने वाला या फिर जर्नी में दूर लंबी दूर के जाने वाला यात्री हो, उनको भी सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो कुछ अभी है यहाँ पर, और टिकट लेने के यहाँ पर चक्कर में, लेकिन सिर्फ एक ही बात आती है, वो है वेटिंग। वेटिंग से लोग जूझ रहे हैं। हम कुछ पैसेंजरों से बात करते हैं कि उनको कहाँ जाना है और वेटिंग कितना मिल रही हुआ। मेरा समीर वाला जी हुआ। कहाँ जाना था? पटना से रांची जाना था। ट्रेन का क्या हुआ टिकट? सर अभी गए हुए थे तो बोल रहा है कि वेटिंग में चल रहा है। कब तक वेटिंग है? अभी पूरा कंफर्म नहीं बताया है। वेटिंग ही चल रहा है। वेटिंग ही चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अभी समर वेकेशन चल रहा है और इस प्रकार से जो है कि हम लोग को सीट नहीं मिल रहा है, तो आदमी कहीं जाना चाहे तो बड़ी मुश्किल है। तो समय गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि भाई स्पेशल जो है कि समर वेकेशन का ट्रेन जो है कि चला दिया जाए। जब भी आते हैं वेटिंग है वेटिंग है वेटिंग, ऐसे में यात्रीगण कैसे जाएगा, कहीं हमको जाना है। कहाँ जाना है? बेंगलोर जाना है। क्या बोला टिकट? बोला कि नंबर लगाइए, पहला नंबर लगेगा तो आएगा। ऐसे वेटिंग है? ऐसे वेटिंग है, पूरा पूरा फुल है। क्या कहेंगे सरकार? सरकार को कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं दिए हुए हैं, जाने के लिए आदमी इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा, कैसे जाएं लोग आदमी। सुविधा जरूर चाहिए पब्लिक को, और क्या चाहिए? सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर सरकार ऐसा रहने से क्या फायदा है? कहाँ जाना था? ओखा। क्या बोल रहा है? अभी कंफर्म नहीं हुआ टिकट। कब का टिकट? वो 4 का चाहिए, 12 का कोई में कंफर्म नहीं है। क्या कह रहा है? क्या वेटिंग में? सब वेटिंग है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? कमल का खाली 2 समर वेकेशन है, कोई टिकटे नहीं है। रेल मंत्रालय क्या कहेंगे? जब अब जो है जो बता रहे हैं, कहना क्या है कि वेटिंग में चल रहे हैं, खाली कहते हैं कि ट्रेन चल रहा है, समर वेकेशन ट्रेन चल रहा है बेंगलोर, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि लाइन लगिए, लेकिन लाइन लगने के बाद फिर जानकारी मिलती है क्या वेटिंग है। सरकार लगातार कहती है कि समर स्पेशल के नाम से ट्रेनें चलाई जाएगी, लेकिन ट्रेनें चलती रही है, वंदे भारत पर ज़्यादा फोकस होती है और आम पैसेंजर आम यात्री जो है उनको समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही ट्रेन की बात तो है ही, लेकिन जब फ्लाइट के बारे में जब चर्चा चलाएंगे तो वहाँ भी स्थिति और भी दयनीय है, हाउसफुल, और साथ में किराया जो है वो बहुत दुगनी है, बहुत ही दुगनी है। मसलन क्या है कि अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई का किराया लगभग 13 हज़ार रुपया है, तो आपको अभी चुकता करना पड़ सकता है
30,000 रुपये के आसपास में यात्रियों के नाम पर सिर्फ आश्वासन है और कुछ नहीं है, चाहे रेलवे हो चाहे वो फ्लाइट हो प्लेन हो, ये तमाम तरह के जो है जिस तरह का अभी लोगों का जो प्रतिक्रिया है उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि समर स्पेशल के नाम से ट्रेनें चलाई जाए। अब देखना है, और मैं भी चाहूँगा सरकार से, रेल मंत्रालय से गुजारिश करूँगा कि कम से कम इन यात्रियों को भी बात को सुने और कम से कम इस छुट्टियों के मौसम में समर स्पेशल के नाम से ट्रेनें चलेगी ताकि पैसेंजरों की सुविधा मिल जाएगी। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।